हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग फ्रेंड। आज दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। मैं थोड़ा बाहर निकला था, मैंने बोला बाहर घूम लेते हैं हल्का सा। तो मतलब गर्मी में कुछ राहत मिली है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। हवा हवा तो चल नहीं रही है, पर हाँ यहाँ का व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश वरिश हुई थी ना बीच में, इसकी वजह से जो पौधे हैं और काफ़ी अच्छे वो हो रहे। और ये धतूरे के पौधे बहुत सारे यहाँ पे जम गए। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा लग रहा है। भी तो चोरी 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 मैंने भी तो यारी निभाई रे। ज्यादा खराब थी, मतलब ऐसा समझ लो कि पसीना रुकने का नाम ही नहीं था। तो ये सब चीजें हैं और बाकी यहाँ का व्यू काफी अच्छा लगा, तो मैं सोचा आप लोग को थोड़ा सा दिखा दे। मेरी उम्र के नौजवानों को भी अच्छा लगेगा व्यू देख के, और काफी खूबसूरत है। और नीचे गाड़ियां उड़ियां भी जा रही हैं, और ये सामने पुश्ता पुश्ते के ऊपर। तो मैं थोड़ा ऐसे ही टहलने के लिए आ गया था, और टहलते टहलते व्यू देख रहे हो कितना खूबसूरत है व्यू यहाँ का, हैं अच्छा लग रहा है ना। बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ मैं व्यू, आपको यहाँ का देखो और कितना अच्छा और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। हरियाली देखो कितनी अच्छी है यहाँ की, ये भी आप लोग देखते रहो और इन्जॉय करो। तो दोस्तों, आप लोग के घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? वैसे तो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो व्यू है ना खूबसूरत यहाँ का। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाओ। हमारा ये देखो सामने लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, पर हवा नहीं चलने की वजह से जो है ना ये मतलब लहरा नहीं रहा। अगर हवा चलता तो काफी अच्छा लगता देखने में वो। तो दोस्तों, थोड़ा मैं लेट हो गया ना ही कहीं बाहर, जो मैं पुश्ते पे गया था वहां पे घूमा। घूमने के बाद फिर मैं नीचे मार्केट वर्केट जाऊंगा। जब मार्केट का जो ब्लॉग होगा थोड़ा बहुत उसको मैं ऐड करूंगा, पर वो समय और टाइम नहीं मिल पाया। कुछ काम का प्रेशर ऐसा था कि जो काम आ गया उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। और मैं अभी आई थिंक मैं बताऊंगा तो 7:45 बज रहे कुल मिला के। अब मैं चक्कर एक्चुअली पर खाना वाना भी नहीं बन पाएगा, पर हाँ कहते हैं ना कि जो चीज़ें कहते दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो अभी हमारे यहाँ पे एक ठाकुर साहब रहते हैं, तो उनका अभी फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला भैया एक काम करते हैं, आज नागपंचमी है और घर में खाना बन रहा है, पूड़ी सब्जी ये सब चीज़ें, तो पूड़ी सब्जी तो ब्राह्मणों का प्रिय होता है, तो उनके यहाँ बन रही है। तो वो अभी आएगा, वो फिर उसको बोल रहे थे हमारे घर पे आके खाओ। बट जो है मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं खाने के लिए। तो कह रहे ठीक है मैं घर पे भेज दूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर पे भेज दे रहा, तो मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगा अब। तो आज ठाकुर साहब के घर का ही खाना खाएंगे हम लोग और उनको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। हाँ तो फ्रेंड, ठाकुर साहब के घर से खाना आ चुका है और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और खाने के अंदर में पता क्या है, ये है खीर, ये है मटर पनीर विथ ड्राई फ्रूट, इतना बोलना नहीं आता यार, जितना आता मैं बोलता हूँ। और ये सामने चावल है, पूड़ी है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी रोटी ठाकुराइन के हाथ का, और ये है आम का अचार। तो आप लोग भी इंजॉय करो, मैं तो कर ही रहा हूँ। और क्या बोले, पहले एक बार चेक करके बताते हैं आप लोगों को, ठीक है? आप बने रहो ब्लॉग के अंदर। हाँ तो पांडे जी चालू करो। तो आप लोग भी खा लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो भी गलती होगी क्षमा करना, ठीक है? भाई मानना पड़ेगा, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आपके घर में क्या बना हुआ है? आप लोग के यहाँ भी अच्छा बना होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बना होगा। पर हम तो पनीर खा रहे हैं आज, नाग पंचमी है, पर लोग मानते नहीं हैं।
दिवाली, होली और ये सब चीज़ें मानते हैं हम लोग, रक्षाबंधन, पर ये काफ़ी अहम त्यौहार है, इसको भी मानना चाहिए हम लोगों को। हिंदू धर्म में जो है आज से स्टार्ट हो जाएगा सारा त्यौहार। पांडे जी आप बोलो यार, हमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है यार, तो पांडे जी बताएंगे आपको, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ यार, मुझे इतना बोलना आता नहीं है, वो बोलना आता है, वो पूजा वूजा करते हैं ना। आज नागपंचमी के उपलक्ष में ठाकुर साहब के यहाँ से हम लोग के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। रात में भोजन में बढ़िया मटर पनीर विथ ड्राई फ्रूट के साथ खीर, पूड़ी, चावल और अचार भी था। खाना बहुत टेस्टी है, बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान उनको ऐसे बनाने की और सहन शक्ति देते रहें, खाने में टेस्ट नंबर एक का है। ये हमारे पांडे जी ने दिया आशीर्वाद, और थोड़ा मैं भी दे देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट देता हूँ भाई, बुरा मत माना, ठाकुराइन को बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और ठाकुर साहब को उनको भी आशीर्वाद है। पर हाँ, कहते हैं ना और भी लोग होते हैं, पर ठाकुर लोग जो है ना ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हमारे एक ठाकुर साहब जो हैं, जो भी आज हम लोगों को, पहले भी ऐसा नहीं, आज पहली बार है, पहले भी निमंत्रण काफ़ी बार हुआ है, हम लोग काफ़ी बार उनके घर में खाते भी हैं, और फैमिली एक मतलब उनकी बहुत अच्छी है, कुल मिला के सब लोग अच्छे हैं, परिवार पूरा अच्छा है, और जब ये अच्छा है क्योंकि ब्राह्मणों का ध्यान रखते हैं वो लोग, इसलिए अच्छे हैं, तो अच्छे इंसान की तारीफ होनी चाहिए। और हमारे यहाँ भी एक ठाकुर साहब हैं, तो वो चलो छोड़ो, कोई नहीं, मजाक की बात होगी, हटाओ उसको। तो दोस्तों खाना वाना खा लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि खाना खाने में टाइम लगेगा, दिक्कत मुझे भी हो रही है, तो आप लोग भी घर में खाना खा लो और परिवार के साथ में खाना सब लोग, नागपंचमी का जो हमारा पर्व है, बहुत अच्छा त्यौहार है, उसको खुशी तरीके से मनाना, और सभी को नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, और पांडे जी की फैमिली, पांडे जी बोल देंगे। नागपंचमी त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त, और फिर होंगी अगले वाले ब्लॉग में बहुत सारी बातें, जब तक आप लोग रखना अपना ध्यान, मैं तो रख ही रहा हूँ, तो करते बाय बाय।